लास्ट क्लास में हमने क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें भी हो जाएगा आपका सेंटेंस टाइप, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल। सबसे पहला है अफर्मेटिव, यस स्टेटमेंट। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप क्या होगा। आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम, मैं इसे लंबे अरसे से जानता हूँ। यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आ जाएंगे, इसी अफर्मेटिव में होता है नेगेटिव, नेगेटिव और नो स्टेटमेंट। नो स्टेटमेंट नेगेटिव या नो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, खाली यहाँ पे हैव के बाद हमने क्या ऐड कर दिया, नॉट। नॉट किसी भी सेंस का नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। इसका हो जाएगा आई हैवेंट नोन हिम फॉर haven't known him for a long time, long time। यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग था, यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग आ गया। यानी कि नेगेटिव हम लोग अफर्मेटिव के ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के हमने स्ट्रक्चर भी देख लिए और एग्जाम्पल भी देख लिए। तीसरा आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यस और नो क्वेश्चन टैग। जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो ट्रू एंड फॉल्स, या तो यस होता है या फिर नो होता है, तो वैसे ये भी बनता है यस और नो। तो इसमें आपका हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन टैग। यहाँ पे हैज एंड हैव पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है वर्ब फॉर्म और तब। एग्जाम्पल देखिए, हैव आई, अब वहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखा आपने, क्वेश्चन पूछ लिया, क्या मैं उसे एक लंबे समय से जानता हूँ, वेयर आई हैव। तो ये क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग आपने डाल दिया, ठीक है। यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अब इंट्रोगेशन जो हम लोग दूसरे टाइप में पूछते हैं, जहाँ पे हम लोग वाई क्वेश्चन मार्क डालते हैं, इंट्रोगेटिव वाई क्वेश्चन, तो वाई वर्ड
प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हो जाएगा हु हैव आई नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, ओके तो ये होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और टाइप्स। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले टेंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।